अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। चीनी सेना के साथ झड़प में शहीद बिहार रेजिमेंट के जवानों के गांव में पसरा मातम, गर्व के साथ छलका परिजनों का दर्द। अमर शहीद, अमर रहे, अमर शहीद, अमर रहे, अमर शहीद, अमर रहे, नील बाबू, जिंदाबाद, नील बाबू, अमर रहे, नील बाबू, अमर रहे, अमर शहीद, अमर रहे, अमर बाबू के कोई नेता देगा भैया, अमर बाबू कहाँ आएगा भैया, अमर बाबू कहाँ आया दिखा भैया, अरे अमन रे, अरे कहीं अरे अमन गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुई भारतीय सेना की झड़प में शहीद हुए 20 जवानों में बिहार के तारानगर सिकरिया ग्राम पंचायत के बिहटा गांव के जवान सुनील कुमार एवं समस्तीपुर जिले के अमन सिंह का भी नाम सामने आया है। सुनील कुमार 2002 में बिहार रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। उनकी इस शहादत की खबर मिलते ही उनके गाँव सिकरिया बिहटा में मातम फैल गया है। एक तरफ जहां जवान की शहादत पर गर्व है, वहीं दूसरे ओर बेटे और घर के चिराग के खोने का गहरा दर्द भी देखा गया। पिता और पत्नी का रोकर बुरा हाल है। हालांकि गांव के लोग एवं पुलिस अधिकारी उनको धीरज बना रहे हैं। शहीद सुनील कुमार के दो बेटे एवं एक बेटी हैं। आइए सुनाते हैं उनके बड़े भाई ने क्या कहा। है कि जो है अपना जान का आहुति देश के लिए दिया, उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। गर्व तो है ही, देश के प्रति जो है उसने अपनी कुर्बानी दी है, साथ साथ दुख भी है। जिसको बच्चा की तरह पाला, खाया नहीं खाया, मेरे आगे चला गया। हमने इसको बचपन से ही पढ़ाया लिखा है और क्या। आपको बता दें कि शहीद हुए बिहार के दूसरे लाल अमन सिंह समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर प्रखंड के सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। शहीद अमन सिंह भी बिहार रेजिमेंट 16 में कार्यरत थे। एक साल पहले इनकी शादी हुई थी। परिजनों ने जहां देश की सेवा में बेटे की शहादत पर गर्व जताया, वहीं गांव वालों ने शहीद स्मारक बनाने की मांग की है। फिलहाल शहीद के परिजनों से मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। सुनिए घर वालों का क्या कहना है। बड़ी माँ आए थे तो बोले थे कि आएंगे मई में, पोस्टिंग ले हो रहा था, बोले थे कि हैदराबाद ये कौन नाटक लगा दी। हाँ तो बाबे के मई में छुट्टी आई, मन हमें आज 3 महीना हुआ रहो को आज वो हम कोरोना के चलते ट्रेनर बंद हो गए और बच्चा वहाँ से नहीं आ रहे, क्यों मारल गए हमारे बाबू हुआ जाके अरे बाप लद्दाख में लास्ट में हम लोग बाहर बैठे थे यहीं पे, तो मेरे मोबाइल पर कॉल आता है। मैंने रिसीव किया, रिसीव करने के बाद जो है तो बतलाया जा कौन बोल रहे हैं, हम अमन के पापा बोल रहे हैं। नहीं, वो बोले जा आप अमन के पापा हैं, हम तो अमन जो है शहीद हो गया। अच्छा, मेरे लड़का शहीद हो, देश के लिए शहीद हो, और इससे गौरव क्या हो सकता है। मेरे गांव के लिए, देश के लिए गर्व की बात है कि अमन जो रिश्ते में, ग्रामीण रिश्ता में मेरा भतीजा लगता था, और वो तो शहीद हो गया, लेकिन मेरे गांव को नाम रोशन किया और मेरे देश का नाम रोशन किया। मुझे अमन पर गर्व है और चीन का बदला लिया जाएगा, चीन का सामान को बहिष्कार किया जाएगा, चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया जाएगा और चीन का जो भी सामान है उसका हम लोग बहिष्कार करेंगे
और अमन पर तो मुझे गर्व है कि देश के लिए शहीद हो गए। ये घटना तो हृदय विदारक है ही, साथ ही हमें गर्व भी महसूस हो रहा है कि हमारे साथी चीन से लोहा लेते हुए शहीद हुए हैं। साथ ही हम सरकार से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि मोहिउद्दीन नगर जमनी रोड में जहाँ इन हम लोग करते हैं इधर आने के लिए, वहाँ पे एक शहीद द्वार बने, अमन कुमार के नाम से एक शहीद अमन कुमार द्वार बने, यही हम सरकार से मांग करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।